जय हिंद दोस्तों। हमारे इंडियन रिसर्चर्स के द्वारा एक बहुत ही रेयर फेनोमिना को एब्जॉर्ब किया गया है, और इसमें बताया जा रहा है कि हमारे इंडियन रिसर्चर ने सुपर मैसिव ट्रिपल ब्लैक होल एब्जॉर्ब किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये ट्रिपल ब्लैक होल क्या है, ये मर्ज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं इसके बारे में, बने रहिए आप हमारे साथ। तो अगर हम ब्लैक होल की बात कर ले तो ब्लैक होल कई जगह पाया जाता है, बट उसको ऑब्जॉर्ब करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसके पीछे का रीज़न यह है कि बताया जाता है कि उस वहाँ से जो है वो लाइट क्रॉस नहीं कर पाती, इसलिए उसको एब्जॉर्ब करना मुश्किल है। जैसे अगर हम बात कर ले कि आप अगर किसी भी चीज़ को कैसे देखोगे, मान लो किसी के चीज़ पे लाइट पड़ा, वो आपके आँख के ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ, तब जाके उस चीज़ को देखोगे। बट ब्लैक होल में ऐसा है कि उसके ऊपर लाइट पड़ेगा तो वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट करता ही नहीं ये लाइट, इसकी वजह से कोई देख नहीं सकता उस चीज़ को। तो पहली बात करते हैं इवेंट होरिजन की। तो इवेंट होरिजन वो पार्ट होता है जो ब्लैक होल का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं इवेंट होरिजन। मतलब कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, कोई भी पदार्थ आता है, तो वो सीधे ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बारे में। तो साइंटिस्ट के द्वारा ये माना जाता है कि कोई भी गैलेक्सी हो, उसके सेंटर में आपको सुपर मैसिव ब्लैक होल देखने को मिलेगा। तो जैसे जो हमारा गैलेक्सी है जिसको आकाशगंगा कहा जाता है, इसको इंग्लिश में मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है, तो हमारा जो आकाशगंगा है ठीक उसके सेंटर में जो है वो सुपर मैसिव ब्लैक होल है। तो सुपर मैसिव ब्लैक होल का मतलब ये हुआ कि जैसे एक ब्लैक होल हुआ, और सुपर मैसिव मतलब और ज़्यादा बड़ा ब्लैक होल, जो कि तकरीबन कितने साइज में, कितने मिलियन सोलर के साइज का होता है। और ये जो होता है वो गैलेक्सी के सेंटर में होता है, और इसको बोला जाता है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। और आप कन्फ्यूज मत कर जाना, ब्लैक होल बहुत जगह मिलता है, बट जो गैलेक्सी के सेंटर में मिलता है उसको बोला जाता है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। और जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसके अगल बगल जो भी डस्ट होते हैं, वो अगर उसको अपने अंदर लेने लगता है तो उसके बाद वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पर वो काम करने लगता है। तो उसके बाद जो उसके अगल बगल का चीज़ होता है वो रेडिएशन के तौर पर काम करता है, तो उस टाइम पर जो है हम उसको यूज़ कर सकते हैं और एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तब जाके पता चलता है कि हाँ इस जगह पे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। बेस्ट जो आइडियल कंडीशन है जबकि सुपर मैसिव ब्लैक होल को डिटेक्ट करना है, तो सबसे अच्छा कंडीशन तब होता है जब दो गैलेक्सी जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हो। क्योंकि जब दो गैलेक्सी है वो एक दूसरे के पास आएंगी, तो वो क्या होगी, जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो उसका भी डस्ट अपने ऊपर एब्जॉर्ब करने लगेगा, तब जाके पता चल जाता है कि हाँ इस जगह पे सुपर मैसिव ब्लैक होल है। तो अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अभी हाल में हुआ क्या है। तो हमारे जो इंडियन रिसर्चर ने है वो अभी डिटेक्ट किया है कि जो तीन सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो आपस में मर्ज कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है, कि ऐसा होता नहीं है बट बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसा होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको एब्जॉर्ब किस तरह से किया गया है जो ट्रिपल गैलेक्सी है। भारत के जो रिसर्चर्स हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के, ये जो है वो बैंगलोर में मिलेगा, तो उनको पहले ये पता था कि दो तरह की जो गैलेक्सी है वो आपस में इंटरेक्ट कर रही है, जिसमें से एक का नाम दे दिया गया था NGC 7733 और दूसरे का नाम दे दिया गया था NGC 7734। तो रिसर्चर्स को पता था कि ये जो दो गैलेक्सियाँ हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आने वाली है, तो इन दोनों के इंटरेक्ट करने की वजह से इनके जो बीच के जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो वो लोग जब इन दोनों गैलेक्सी के ऊपर ध्यान दे रहे थे, तब उनको ये देखने को आया कि जो NGC 7734 जो गैलेक्सी है वो और उसका जो ब्लैक होल है वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। तो फिर उन्होंने देखा कि जो NGC 7733 है उसके ऊपर वाले साइड में, नॉर्दर्न साइड में, एक काफ़ी बड़ा चीज़ चमकते हुए दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने ये पाया कि जो ये वेलोसिटी है इस NGC 7733 की, और जो दूसरा उनको सडनली दिखा था, तो इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो बहुत ही अलग है। क्योंकि अगर ये एक ही गैलेक्सी होगा तो ये सेम स्पीड से चलेगा, बट ऐसा था नहीं। वो जो नया जो अभी अचानक दिखा हुआ था उसकी वेलोसिटी कुछ अलग थी, और ये जो NGC 7733 थी इसकी वेलोसिटी अलग थी। तब जाके उनको पता चला कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कोई अलग ही गैलेक्सी है। तो ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि एक साथ तीन गैलेक्सी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये जो नया वाला गैलेक्सी था ये हालांकि काफ़ी छोटा था बाकी के जो दो गैलेक्सी है उससे, तो इसलिए इस गैलेक्सी को नाम दे दिया गया NGC 7733N। एन इसलिए लगा दिया क्योंकि इसका एक छोटा भाई कह लो उसको। तो यही जो फेनोमेना बताया जा रहा है वो काफ़ी रेयर बताया जा रहा है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। एक तो हमारे देश का जो सबसे पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है एस्ट्रोसैट, तो उसके ऊपर एक टेलीस्कोप लगा हुआ है जिसका नाम है अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तो इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए। साथ ही साथ चिली के अंदर जो टेलीस्कोप है, वेरी लार्ज टेलीस्कोप, वहाँ पर लगाया गया है यूरोपियन इंटीग्रल फील्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप, जिसको कि म्यूज़ कहा जाता है। उसके बाद साउथ अफ्रीका के अंदर एक टेलीस्कोप है जिसको कि इंफ्रारेड इमेजेस फ्रॉम द ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको IRSF भी कहा जाता है।
इसका भी इस्तेमाल किया गया है उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो इन तीन टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके ये जो फिनोमिना है गैलेक्सी वाला, इसको एब्जॉर्ब किया गया है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे दो गैलेक्सी है, उसके बाद उसके अंदर दो जो ब्लैक होल है, सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जब वो एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा? क्योंकि जब दो गैलेक्सी इंटरेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ब्लैक होल भी इंटरेक्ट करेगा। तो इसमें ये होगा कि जो दोनों की काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी एक दूसरे में। और बात यह है कि जैसे जैसे ये क्लोज आते जाएंगे इनकी डिस्टेंस बढ़ती, मतलब क्या बोलते हैं, कम होती जाएगी, और ये डिस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रुक जाता है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है पार्सेक। अब हम ये बात कर लेते हैं कि पार्सेक होता क्या है। तो 3.26 लाइट ईयर को पार्सेक कहा जाता है। एक्चुअल में ये बहुत होता है क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर कवर करती है। तो उसके बाद आप ये अंदाज़ा लगा लो कि एक जो लाइट है वो 3.26 लाख किलोमीटर चलती जा रही है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। तो बात यहाँ पे ये आ गई कि जब दोनों गैलेक्सी के बीच का जब डिस्टेंस जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर बचता है, तो उसके बाद वो जो गैलेक्सी है वो दोनों रुक जाती है, वो आपस में मर्ज नहीं करती है। और इस ये जो प्रॉब्लम है इसको कहा जाता है पार्सेक प्रॉब्लम। और बात करें कि इस प्रॉब्लम को सुधारा कैसे जाएगा, तो वहाँ पे जो तीसरा ब्लैक होल है, अगर कोई तीसरा ब्लैक होल आ जाए उन दोनों ब्लैक होल के बीच में, तो वो इस प्रॉब्लम को सुधार देगा। तो ये कैसे होगा, तो जो ये दो ब्लैक होल है, अगर इसमें तीसरा कोई आ गया तो ये जो दो ब्लैक होल है ये अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं तीसरे ब्लैक होल में, तो फिर जाके ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो सोचो कि ये जो दोनों ब्लैक होल है वो उस तीसरे वाले में जाकर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो सोचो कितना बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल बन जाएगा। और मैंने जैसे आपको बताया कि यह बहुत ही रेयर फेनोमेना है, ऐसा अब तक सिर्फ 3 ही बार हुआ है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और नॉलेजेबल भी लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।